ऐसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो, क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। दहेज को लेकर आए दिन जाने कितनी ही महिलाओं पर जुल्म किया जाता है। ऐसी ही पति की प्रताड़ना से तंग आकर अहमदाबाद की साबरमती नदी से कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत के बाद ऑल इंडिया मजलिस से चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? वहीं आयशा के सुसाइड पर ओवैसी ने जो बयान दिया है, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं।